नाउ सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट एंड जो नेक्स्ट पार्ट के लिरिक्स हैं वो इस तरह से हैं मेरे गुस्से में नखरे तू भी सहना सीख ले रे ओके सो हमारा जो लास्ट पार्ट था वो कैसे था लास्ट टाइम वन नाउ मेरे गुस्से तो वो जो है ना गुस्से उस पर बीट है तो अपने उस बीट को पकड़ना है उस बीट पे आपको लेग किक करनी है लेफ्ट लेग एंड जब आप किक करोगे उसके साथ चेस्ट आउट इट शुड बी लाइक बूम बीट वाइब्रेशन ओके तो हमारा वन टू मेरे गुस्से अब यहाँ हैंड मूवमेंट कैसे है टू राइट हैंड अप लेफ्ट हैंड डाउन थोड़ा ऊपर की तरफ फेस बीच में बूम ओके सो फ्रॉम हियर वन टू मेरे गुस्से अगेन वन टू मेरे गुस्से नाउ फ्रॉम हियर मेरे नखरे ओके सो मेरे पे बोथ हैंड्स विल फोल्ड एंड देन गो स्ट्रेट और मेरे जो तुम लेग्स हैं वो जुड़ जाएंगे ऐसे ओके मेरे गुस्से नाउ मेरे यस फ्रॉम हियर नखरे ओके सो नख ओके तो इसमें कैसे है मेरा राइट लेग इस तरफ हो जाएगा एंड माय राइट हैंड विल ट्विस्ट माय बॉडी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड टू द नखरे ओके सो ये पूरा नखरे नहीं है नख पे रहना है इसको मेरे नख रे दैट्स इट तो ये जो नखरे वर्ड है ये दो पार्ट्स में डिवाइड करके करना हमने सो फ्रॉम स्टार्ट मेरे गुस्से और नो फ्रॉम देयर फ्रॉम देयर वन टू मेरे गुस्से मेरे नखरे ओके सो दिस इज माय लेफ्ट हैंड सो नख पे मैं कहूँ नख नाउ राइट हैंड लेफ्ट हैंड अब लेफ्ट हैंड आगे रख जाएगा बॉडी ऊपर इधर राइट हैंड राइट साइड ऊपर इधर राइट हैंड पीछे इधर एंड देन टैप मेरे राइट हैंड सेकेंड पोजिशन में स्ट्रेट यहाँ पर सो अगेन मेरे गुस्से मेरे नखरे तू भी ओके नाउ सेना सिख ले रे सो इट्स एन एक्ट सेना सिख ले रे ओके सो ये एक्ट है आपको जैसा लगता है आपको कोई नया एक्ट करना है इस पे नखरे सॉरी मेरे नखरे सहना सिख लेने तो इस पे आप अगर आप खुद से कोई स्टेप बनाना चाहते हो कोई एक्ट बनाना चाहते हो तो आप कर सकते हो कोई स्टेप ऐड करना चाहते हो कर सकते हो मैंने वीडियो में कैसे किया है मैंने आपको बता दिया ओके सो मैंने जो वीडियो में किया है वो कुछ इस तरह से है मेरे नखरे सॉरी इट्स ऑन सहना सिख ले रहे सहना सिख लगे ओके नाउ लेफ्ट लेग तू लिरिक्स हैं तू प्यार नाल मैनू जी जी कहना सिख लगे तो ये ही लाइन दोबारा से तो कैसे है लेग्स को ट्विस्ट करना है बॉडी को ऐसे ही रहेगी बिल्कुल ठीक है लेफ्ट लेग पहले आगे वन टू थ्री फोर ओके तो फ्रॉम हियर वन टू थ्री फोर सो इट्स लाइक वन टू थ्री फोर हैंड मूवमेंट देखिए हमने फ्रॉम हियर राइट साइड स्ट्रेट लेफ्ट साइड स्ट्रेट कैसे कर सकते हो लेकिन राइट लेफ्ट फेस है वन टू थ्री फोर ओके और लेफ्ट लेग मूवमेंट लेफ्ट लेग पहले आगे जाएगा देन जुड़ जाएंगे दोनों देन राइट लेग आगे जाएगा एंड देन दोनों जुड़ जाएंगे सेंटर में आगे करके दिखाता हूँ इट जस्ट लाइक हियर वन टू थ्री फोर दैट्स इट ऐसे भी कर सकते हो वन टू थ्री फोर या फिर वन टू थ्री फोर अपनी ओके सो नाउ दोनों हैंड क्रॉस कर सीधे आएंगे बीच में एंड माय राइट लेग नाइट राइट नी विल बी अप लाइक दिस सी एज यू कैन सी फिर समथिंग समथिंग लाइक दिस तू प्यार में ओके जी जी ओके आई होप यू आर गेटिंग इट कहना दोबारा बताता हूं कहना
सिंगुलर वे, ये चीज याद रखना, वे फिर वे बढ़ेगी और ऐसे ही ये खत्म होगा ऑलमोस्ट 90% नॉट कंप्लीट कर रहे। सो क्या सर था हमारा वन नाउ वन ओके एंड अगेन स्ट्रेट, तो हैंड में दोनों सर पे स्ट्रेट है, वन एंड फिर टू ऐसे करना इजी, वन टू प्यार नाउ दोनों नीज बैंड एंड साथ में जोड़ना जी और हैंड भी ऐसे जोड़ना जी ठीक है अगेन टू प्यार जी जी ऐसे ओपन कर देना जी के ना सिख ले वे। सो द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप बहुत इजी है, म्यूजिक पे है ना 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 सो इट्स समथिंग लाइक दैट ओके सिख ले वे। नाउ आई एम फेसिंग राइट साइड तो हम यहीं से शुरू करेंगे विद लेफ्ट हैंड, अभी कैसे है राइट लेग एंड देन तो पहले राइट लेग को थोड़ा सा आगे निकाला फिर थोड़ा सा आगे करते वक्त लेफ्ट लेग को साथ जोड़ दिया, ऐसे ही लेफ्ट साइड जाऊंगा तो पहले लेफ्ट लेग को थोड़ा सा आगे करूंगा एंड देन दोबारा से इसको आगे करूंगा थोड़ा सा और उसके साथ साथ इसको जॉइन कर दूंगा, तो ये दो पार्ट हैं वन एंड टू ओके। सो हैंड मूवमेंट वन हल्का सा झटका वन एंड देन वन एंड टू, तो आप देख सकते हो सिख ले वे ओके। नाउ इसके बाद एक फुटवर्क है शफल भी कह सकते हो उसको, थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसके लिए अलग से एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा लेकिन आप इसमें देख सकते हो कि मैंने कैसे किया। My last position is this. Last position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो ये किस तरह से होता है? जब हम इस तरह से रख रहा हूँ मानो मैं लाइक अपनी मानो मैं इस साइड फेस कर रहा हूँ तो मैंने अपनी लेग कुछ इस तरह से रखी, फिर मैं राइट साइड से जाऊंगा राइट लेग को ऊपर की तरफ उठाऊंगा एंड लेफ्ट लेग को ट्विस्ट करूंगा सी ओके वन एंड टू, और ये फास्ट तो बहुत जल्दी हो जाता है धीरे धीरे वो तो बैलेंस कर दो इसको। सो दिस इज सेट और ये 8 बार करना होता है छह बार करेंगे हम ऐसे तो 8 बार कर सकते हो लेकिन 6 बार करेंगे क्योंकि लास्ट में वो भी आएगा ओके। सो गाइस दैट्स इट, दीज आर ऑल द स्टेप्स रिलेटेड टू द कंट्री ऑन सॉन्ग प्यार नाल, आई होप आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली वीडियो को देखने के लिए, फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पर ट्यूटोरियल अपडेट्स के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।